सुन पड़ा, दिखाओ पास। ठीक, गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार बच्चों। साथियों लूसेंट की क्लास में क्लास चार, जो लेक्चर नंबर है चार, यूनिट नंबर है चार, तो आज दोनों बहुत अच्छी मैचिंग है, क्लास नंबर चार और यूनिट नंबर चार। सबसे बड़ी बात, आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता को हम लोग पूरा पढ़ लेंगे जबरदस्त तरीके से, अंदाज नए एक सिरे से। चलियो, अब आज 1 अप्रैल 2021 है, मतलब मूर्ख दिवस। तुम, हमने तो मूर्ख बनाया नहीं, हम तो तुम्हें पढ़ाने आ गए। तो भैया अब भी आप भी हमें मूर्ख ना बनाइएगा, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है यहाँ पे। चलो तो भैया फटाफट वीडियो को शेयर कर दो। डेली क्लास शाम को 7 बजे चलती है, 7:30 बजे चली, लेकिन कल से प्रॉपर वे में 7 बजे क्लास आपकी शुरू हो जाया करेगी। कोमल, गुलशन, श्याम, हिमांशु, फूल सिंह, मुकेश, श्याम, मीना, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। फटाफट देखो, हम भी शेयर कर दे रहे हैं, आप भी वीडियो को शेयर कर दो, सभी साथी वीडियो को शेयर कर दे जबरदस्त अंदाज में, बहुत मजा आने वाला है। चलो भाइयों, बहुत बढ़िया अंदाज में शेयर कर दो सभी बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया। अरे बच्चा डेली क्लास लेंगे, गुलशन मलिक काहे परेशान हो, हमने तुमसे वादा किया तो वादा पूरा किया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस आपको क्या करना है, साथ निभाना है और वीडियो को ज़्यादा दूर तक फैलाना है, ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करते सभी बालक वीडियो को शेयर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, शुरू करते अपने सेशन को। हाँ गुड इवनिंग रविकांत, राज पटेल, एस मिश्रा, परियार, सलील सिंह, चलिए बहुत बढ़िया, पूजा सिंह गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे आ चुके हैं तो हम भी शुरू करें क्लास को। चलो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, वैदिक सभ्यता बालक, क्या है वैदिक सभ्यता। चलो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं बड़े जबरदस्त अंदाज में। तो वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता यहां पे पहले लिख लें। तो भाई साहब एक चीज हमने आपको बताई थी, हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता हमने आपको पढ़ा दी थी जबरदस्त अंदाज में। क्या पढ़ाया था, 1500 से 1750 तक भी मिलता है उसका टाइम पीरियड। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है भाई साहब 1500 BC से 600 BC तक क्या था, वैदिक सभ्यता थी। अब वैदिक सभ्यता क्या थी तो बात समझो, यहां पड़ता था ये जो इधर का एरिया जो पड़ता था, इधर पड़ता था एरिया, क्या नाम था, इधर था अफगानिस्तान, इधर पड़ता था भैया अफगानिस्तान, और इधर पड़ता था पंजाब, पंजाब कौन सा, पाकिस्तान। तो पेपर में प्रश्न आता है कि अफगानिस्तान तथा पंजाब, अफगानिस्तान तथा पंजाब से जो लोग आके भारत में बसे उनको कहा गया आर्य, क्या कहा गया आर्य, और आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बसाई गई उसको कहा गया वैदिक सभ्यता। क्लियर, कहने का तात्पर्य यह है अफगानिस्तान और पंजाब वाले एरिया से आके जो निवासी भारत में बसे, ये लोग आए थे चारागाह की खोज में, पशुपालन का मेन व्यवसाय था, तो ये लोग आए थे और यहां आके बस गए, तो इस सभ्यता को नाम दे दिया गया वैदिक सभ्यता। और जिसमें एक बहुत ही जबरदस्त थे, क्या थे, एक प्रकार से कह सकते हो इतिहासवेत्ता, उनका नाम था मैक्स मूलर, क्या था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य हैं वो लोग अफगानिस्तान पंजाब से नहीं आए, वो लोग भारत में आके बसे कहां से, आर्य लोग मैक्स मूलर के अनुसार जो आके बसे भारत में वो लोग आए मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से आकर भारत में बस गए। तो इसीलिए पेपर में प्रश्न आता है कि आर्यों का निवास स्थान मैक्स मूलर के अनुसार कहां का माना जाता है, तो मध्य एशिया का माना जाता है, नॉर्मली कहां माना जाता है, तो अफगानिस्तान और पंजाब का। क्लियर है बच्चा, बहुत बढ़िया जबरदस्त। चलो सोनम, सोनी आपका भी नाम ले लिया हमने, गोविंद, साधक, अवधेश, पूजा पांडे, बेटा सबका बहुत बढ़िया,
मनीष राय, रविकांत, रजनी, अभिषेक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, नहीं मजा नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी तो डेली 7 बजे मैं उपस्थित हो पाऊंगा आपके पास। ठीक है बच्चा, चलो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आई। फिर वैदिक सभ्यता बट गई 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से हुए तो देख लो, 2 भाग वैदिक सभ्यता के कौन कौन से हुए। तो वैदिक सभ्यता के 2 भाग हुए, जिसका एक का नाम दिया गया, जिसको कहते हैं ऋग वैदिक काल, एक को कहते हैं ऋग वैदिक काल और एक को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। तो एक को कहते हैं ऋग्वैदिक, एक को कहते हैं उत्तर वैदिक। क्लियर? तो 2 भागों में वैदिक काल को बांट दिया गया। आर्यों के द्वारा बसी हुई सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। तो याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता, नगरी सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे बड़ी बात, सिंधु घाटी सभ्यता में शासन किसका चलता था? माता का, मातृ प्रधान था। तो वैदिक सभ्यता में शासन किसका चलता था? वैदिक सभ्यता में पितृ प्रधान, मतलब यहां पे मुखिया कौन होता था? यहां पर मुखिया होते थे पापा। क्लियर? तो पापा मम्मी दोनों सभ्यता हमने बता दी। मम्मी वाली सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी, जैका कहते हैं हड़प्पा, और सिंधु घाटी सिंधु नदी किनारे स्थित सभ्यता थी। और पापा वाली सभ्यता कौन सी है? पापा लोग वैसे भी पुजारी ज्यादा, तो वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान। क्लियर? तो पितृ प्रधान और ग्रामीण सभ्यता, गांव में ज्यादातर कौन पसंद करता रहना? पापा लोग। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, नमस्कार। मजा तो आएगा ही भाई साहब, मजा नहीं आएगा तो मजा हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे। मजे के लिए तो तुम्हारा पढ़ाते हैं कि आप पढ़ो, साथ में मजा भी लो। ठीक है, चलो बच्चा बहुत बढ़िया। हाँ, शेयर कर रहे हो, करते रहो, लाइक नहीं कर रहे हो, करो वाह करो। फिर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। क्लियर? फिर बच्चा, वैदिक सभ्यता जब 2 भागों में बट गई तो दोनों का टोटल टाइम पीरियड चला 1500 से 600, मतलब टोटल चला 900 BC। तो भैया दोनों अलग अलग कितने साल चले? तो ऋग्वैदिक काल जो सभ्यता चली वो 1500 BC से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल चली। कितने साल तक? मात्र चली 500 साल। और फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल कितने साल चली? तो 1000 BC से 600 BC तक चला। क्या? 600 BC तक चला उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को भी हमने बांट दिया। क्लियर बच्चा? वैदिक काल को भी समझ बांट दिया, बहुत बढ़िया। तो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक दोनों काल आपस में क्या हो गए? बट गए। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। वैदिक सभ्यता 2 भागों में चली, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक। पहले कौन सी चली? ऋग्वैदिक। बाद में कौन चली? उत्तर वैदिक। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, नीरू जी डेली क्लास लेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो आप। ज्यादा ज्यादा बस वीडियो को शेयर करो, तब मजा आएगा भाई। ठीक है, फिर याद रखना, ये पितृ प्रधान थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता वेदों के बारे में है। तो यहां पर भाषा कैसी यूज की जाएगी? भैया वैदिक की बात है तो संस्कृत भाषा यहां पर प्रयोग की गई। कौन सी भाषा? संस्कृत। और यहीं पे आप जानोगे वेद की संख्या कितनी है, बताया था 4। यहीं पे बताया था उपनिषद कितने हैं, 108। यहीं पे हमने बताया था वेदांग कितने हैं, तो वेदांग है 6। तो सब अच्छे से बताया था। पुराण कितने हैं? 18। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, सारी चीजें एक एक याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी? तो वेदों की संख्या 4। पुराण की संख्या कितनी? तो पुराण की 18। हमने बताया था सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। अब पुराण के बाद यह दूसरा जो तीसरा नंबर आता है उसको आता है उपनिषद का। उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। केवल 18 में बीच में 0 लगावेगा, उपनिषद हो जाएगी। ठीक, फिर यहीं पे याद रखियो वेदांग कितने? तो वेदांग टोटल है 6। वेदांग मतलब शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। तो भाई साहब ये पूरी की पूरी आपको टोली याद रखनी है झोंके में। वेद कितने? 4। पुराण कितने? 18। उपनिषद कितने? 108। और वेदांग कितने? 6। तो उम्मीद करते इतने प्रश्न आपको मजे से आ गए होंगे।
ठीक, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, डेली क्लास लेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, शेयर करते रहना, लाइक करते रहना मेरे बालक, और मेरा उत्साह जमीन से उठाकर आसमान में कर देना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चलो मजा आ रहा ना भाई, मजा तो आना ही है, नहीं आएगा तो मजा मानेंगे। चलो अब इसको करते ऊपर, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं फिर बाद में कमेंट करके बताओगे सर जी आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के लिए 10-15 सेकंड साइड में हो जावा करो, तो साइड में हो गए तो स्क्रीनशॉट भैया आप ले लो। ठीक, चलो बिल्कुल। साधक हुसैन सर आप तो आतंक मचा दिए, आतंक भैया अबे कहां मचा, आतंक तो तब मची जब तुम्हारा शेयर पड़ी जाए सब जगह, और सब जगह दिखा पड़ी कि आ गई है फिनिक्स एकेडमी में राघव सर जो आपको लूसेंट एक ताबड़ तोड़ अंदाज में पढ़ा रहे हैं, तब आतंक मचेगा। वो आतंक अगर मचाना है तो तुम्हारा साथ हमें चाहिए, 10-10 लोगों का जोड़ना अति आवश्यक है, अगर न जुड़ी हो तो बात बनी ना, यह हो याद रखियो। ठीक बच्चों, आगे बढ़ो, तो आगे जब बढ़ियो तो देखो प्रश्न तुमका का समझ में आइए, बहुत प्रश्न समझ में आइए भाई, देखो देखो, चलो मजा ही मजा है, सजा कुछ नहीं, केवल मजा ही मजा करेंगे हम लोग। ठीक, चलो फिर यहां पर जो अब सबसे पहले तो बात करें किसकी, ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई थी, पेपर में आएगा ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई जो थी वो कितने भागों में बटी थी, प्रशासनिक इकाई मतलब प्रशासन को संभालने के लिए कितने इकाइयों में बटी थी, तो भैया टोटल इकाई नहीं पांच, कितनी रही पांच। तो सबसे पहले कहा है कुल, जिसका अर्थ परिवार, फिर क्या अर्थ ग्राम, फिर का विश्व, फिर का जन और फिर का राष्ट्र। क्लियर, चलो सबसे छोटी इकाई जिसको कहते हैं कुल, और कुल को ही कहते हैं क्या, परिवार। और जब परिवार होगा तो भैया ग्राम, उसके ऊपर इकाई कौन सी, ग्राम, और जब ग्राम होगा तो विश्व, और विश्व के बाद क्या होगा जन, जन के बाद क्या होगा राष्ट्र। ये उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई थी पांच, पेपर में पूछा जाए तो उत्तर वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई बताओ तो हमारा सारा बचवा बोलेगा उत्तर वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई जिसका नाम रहे कुल या परिवार। और कुल या परिवार में मुखिया को होता रहे पितृ प्रधान, तो पितृ प्रधान का मतलब का, पितृ प्रधान का मतलब एका मुखिया कौन, एका मुखिया मतलब पापा, पापा का मतलब पिता। तो भैया कुल या परिवार का मुखिया कौन होता था इकाई का, पिता होता था, क्या होते थे पिता। क्लियर, और याद रखना उत्तर वैदिक काल में पिता को और क्या कहा जाता था, पिता, अथवा इसको कहते थे कुलप, चाहे कुलप कह लो चाहे पापा कह लो, बात एक है जो कुल या परिवार के मुखिया होते थे। क्लियर, चलो बचवा, तो उम्मीद करते मजा आ रहा होगा, ओम प्रकाश लोधी, रोहित, बिल्कुल सबका मजा आ रहा ना, चलो बहुत बढ़िया। क्लास कब से चलता है, तो क्लास भैया शाम का 7 बजे चलता है, जबरदस्त अंदाज में आतंक मचावे खातिर आ जाओ। बिल्कुल, शिवा सोनी उत्तर की या ऋग्वेद की, भैया भैया ऋग्वैदिक पढ़ा रहे ना पहले, ऋग्वैदिक पढ़ा रहे ना शिवा बच्चा, तो ऐसी रहो ऐसी ना जाओ, जब ऐसी जाओ तब बात करो, अबे ऐसी रहो, अबे जब ऐसी रहो जब ऐसी जाइबे तो ऐसी चले हो मेरे साथ। ठीक, तो भैया पापा वाला मामला समझ में आ गया कि उत्तर वैद सॉरी ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई प्रशासनिक कौन सी रहे, सबसे छोटी जिसका नाम रहे कुल या परिवार, और परिवार का मुखिया को, क्योंकि वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान मतलब पापा, जिसका का कुलप। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब यह बात ये का ग्राम जो है, जो परिवार होंगे कई परिवार मिलकर ग्राम बनाएंगे, गांव बनाएंगे, भैया ग्राम के मुखिया कौन, तो ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी। क्लियर, एक एक जबरदस्त अंदाज में समझाएंगे। और बिस, बिस मतलब जहर वाला नहीं, यो बिस दूसरा है, यो बिस मतलब गांव बनी गए, तो कई सारे ब्लॉक जैसे अभी तुम बोले तो ब्लॉक तहसीले, तो यही तरह बिस, और बिस के मुखिया कौन, बिस के मुखिया विस्पति, विश्व के मुखिया विस्पति। क्लियर, तो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गया, जब ब्लॉक तहसीलें बन जाएंगे तब क्या बनेगा, जनपद जिला, जिसका कहते हैं जन, और जन के मुखिया कौन, जन के मुखिया राजन। जैसे एक एक राज्य में कौन,
एक जिले में कौन डीएम, और तब उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में क्या बोलते रहे जिला वाले मुखिया का राजन, क्लियर, ब्लाकन का विस्पति, ग्रामीणी। भैया एक एक जबरदस्त प्रश्न आता है, जब आएगा ना तब तुम करोगे, तब बताओगे कि हाँ राघव सर ने हमें पढ़ाया था। बिल्कुल, फ्यूचर तो मेरा ही होगा, तुम्हारा होगा, मेरा होगा, पूरे फिनिक्स परिवार का होगा, लक्ष्य का होगा, और पूरे भारत देश के युवाओं का होगा जो मेहनत करेगा। ठीक है, अंबुज सर का क्लास पप्पू बेटा होगा। चलो बहुत बढ़िया, राजू भैया ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाए वो भी बता दे तो हम बता रहे दूंगा। सुनो क्या पूछा जाए, ऋग वैदिक काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई बताओ। तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, कुल या परिवार है। सबसे बड़ी इकाई बताओ तो राष्ट्र है। दूसरे नंबर की इकाई बताओ तो ग्राम है। और तुमते कही दीस कि आरोही क्रम में लगाओ, छोटे से बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले परिवार, फिर ग्राम, फिर बेस, फिर जन, फिर राष्ट्र। ले ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का तुम मेंस लिखो जाके। ठीक, चलो पप्पू भैया तुमका समझ में आ गया। चलो पप्पू कम समझा दें तो समझो सबका समझा दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमेंट है, बहुत बढ़िया पढ़ी रहो। बस लाइक शेयर में कमी है, वही ज्यादा हम चिंतित हैं, और उते अगर चिंतित हो तो पढ़ाना पाइबे ज्यादा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। हाँ फिर आगे बात समझो, बहुत बात ध्यान से समझो अब। ठीक, एमा होते रहे एक शब्द रहे रतनी, पेपर में पूछा गया रतनी क्या होता, रतनी तो भैया रतनी होते रहे अधिकारी। रतनी कही क्या कहते थे ऋग वैदिक काल में, रतनी बोलते थे किसको, अधिकारी को। कही क्या कहते हैं अधिकारी, अधिकारी कौन, तो भैया याद रखियो सूत जो होते रहे, रथकार होते रहे, कमादि नामक अधिकारी, ये सब नाम रहे सूत, कमादि और रथकार, ये छोटे छोटे अधिकार, ये छोटे छोटे व्यक्तियों के नाम थे जो अपने अपने टोली को संभालते थे, और इन सब अधिकारी को रतनी कहते थे, मतलब इनका एक समूह पूरा रतनी कहलाता था। और रतनियों में अधिकारियों की संख्या कितनी होती थी, रतनियों में अधिकारियों की संख्या टोटल 12 होती थी, क्लियर, राजा सहित। तो उम्मीद करते एक एक प्रश्न जबरदस्त। अरे विशाल भैया कानपुर से है का, बिल्कुल उन्नाव सा है, कानपुर और लखनऊ के बीच में जो एक छोटा सा शहर है, जहां के स्टेशन के समोसा बिल्कुल चटपटे हैं, हुआ से लाइव चल रहा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया साथी, मजा आ रहा। चलो फिर आगे बात समझो भैया, सब बच्चन का बहुत ज्यादा मजा आ रहा। चलो फिर आगे बात समझो, तो तुमको प्रशासनिक इकाई समझ में आ गई, एक नंबर पूरा सामाजिक व्यवस्था बता रहे, रतनी समझ में आ गए, तीसरे नंबर में सोचो गुप्तचर, जिसे अभी कहा तो अरे पुलिस आई, कमांडो आए, सीबीआई आई, सीबीआई मतलब का गुप्तचर संस्था, वही तरह ऋग वैदिक काल में भी गुप्तचर होते रहे, ऋग वैदिक काल में भी गुप्तचर होते रहे, और उनमें गुप्तचर पता कहीं क्या कहते रहे, पूरब और स्पष्ट का कहते रहे, पूरब गुप्तचर को वहां क्या कहते थे, गुप्तचर को वहां कहते थे पूरब और स्पष्ट, दो शब्द ऐसे रहे। अब पप्पू जी कहते रहे ऑब्जेक्टिव बताओ, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे है ये, स्पष्ट कौन थे, तो स्पष्ट कौन थे, तो इससे पता ये चलता है ऋग वैदिक काल में गुप्तचर थे कौन, स्पष्ट। पूरब कौन थे, पूरब भी ऋग वैदिक काल में गुप्तचर थे, और पूरब क्या काम करते थे, पूरब का काम होता था दुर्गपति, जो दुर्ग होते थे, किले होते थे, वहां के पूरे पूरे ये दुर्गपति वहां की निगरानी रखते थे। और स्पष्ट कौन होते थे, तो जनता की गतिविधियों को निगरानी रखते थे, जैसे सीबीआई रखती है, जनता की गतिविधियों को निगरानी रखने के लिए जो गुप्तचर होते थे उनको कहते हैं क्या, उनको कहते हैं स्पष्ट। तो पूरब और स्पष्ट के बारे में उम्मीद करते दिमाग में बिल्कुल बैठ गया हुई, ठनक गया हुई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हाँ। अंकित, आशा, गौरे, शंकर भैया लाइक शेयर में ठोक दो एक बार दबा के, बहुत बढ़िया। ऋषि रामराज मजादार, क्या बात है। हाँ अब देखो भैया और समझो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझो, स्क्रीन शॉट लेते रहो, ये पूरी सामाजिक व्यवस्था तुमका बता रहे हैं। चार नंबर में यहां क्या रखियो, चार नंबर और पांच नंबर याद कर लो, एक शब्द उग्र याद करना है,
पेपर में पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में उग्र किसे कहते हैं, पेपर में पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में वाजपति की काकात, तो भैया वाजपति उग्र दोनों याद कर लो, दोनों याद कर लो, वाजपति की काकात है और उग्र की का। हाँ राजू आप भैया हमारा रोज वीडियो देखा तो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया जबरदस्त। और रामराज कह रहे हैं इतना जबरदस्त तो आज तक जीवन में पढ़े नहीं, अरे भैया धन्यवाद जो इतना तुम हमका प्यार देवत हो। ठीक है फिर भैया समझो बाजपति का काम का है, बाजपति का काम है गोचर भूमि का अधिकारी, जहां पर गैया चढ़ती रहे उसकी भूमि का कौन अधिकारी क्या कहते थे वाजपति, वाजपति क्या बोलते थे गोचर भूमि का अधिकारी कहते थे इसको, क्लियर। फिर अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी क्या कहते थे, अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी को, तो याद रखना अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारियों को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे उग्र, उग्र तो याद हुई उग्र कब गलत ना हुई। अरे अफसाना खान अच्छा रीजनिंग की क्लास नहीं लेते हो आप, बहुत अच्छा पढ़ा तो रीजनिंग भी लेंगे, परेशान ना हो संडे को लिया जाएगा। ठीक चलो बहुत बढ़िया, बस आपको क्या करना है जबरदस्त अंदाज में वीडियो को शेयर करना। अब बात समझो बहुत ध्यान से, कहा समझियो बच्चों तो बात समझो, ऋग्वैदिक काल में पुरुष जो वर्ण व्यवस्था है, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है, आपने ऋग्वेद में पढ़ा ही था तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कितने भागों में बटी थी, चार, कौन कौन, एक रहे ब्राह्मण और एक रहे क्षत्रिय और एक रहे वैश्य और एक रहे शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार जने रहे वर्ण व्यवस्था में, कब ऋग्वैदिक काल में, क्लियर। और जेमा कहा जाते कि जो ब्राह्मण रहे वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए और जो क्षत्रिय रहे वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुए और वैश्य ब्रह्मा जी की जांगों से पैदा हुए और जो शूद्र ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए, तो शूद्र अपने आप को कम नहीं समझेंगे, मुख से बड़ा क्या है, मुख से बड़ा है क्या चरण। आदमी चाहे जितना बड़ा पंडित मानता हो, चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण हो, लेकिन पैर वो छूता है। तो भाई साहब याद रखिएगा सबसे बड़ा मैं किसको मानता हूं, शूद्र को, ठीक है याद रखिएगा। चलो तो उम्मीद करते इतनी बात आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आ गई। अब ये जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ये कई पर आधारित रहे, तो ये आधारित है व्यवसाय पर, मतलब जो सिंपल सी बात है व्यवसाय पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण जो पूजा उजा करते थे, पुरोहित थे, घरों में जाके शादी वादी करवाते थे, क्षत्रिय जो लड़ाई झगड़े युद्ध में भाग लेते थे, वैश्य जिनका व्यापार काम था, अशूद्र सेवा करना, सेवा परमो धर्मा सबको पता, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सब लोग अपने आप को बादशाह समझ लेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति सेवा करता है उससे बड़ा व्यक्ति जीवन में कोई हुआ ही नहीं। भाई साहब सेवा करवाना सबको आता है, लेकिन जब दिल से सेवा होती है वो केवल दिल से ही हो पाती है, पैसों सेवा नहीं कराई जा सकती, याद रखिएगा। ठीक है तो सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोरल नारे जरूर रखना है, अपने आप को कभी भी बहुत बड़ा इंसान नहीं समझना चाहिए, तुम इस धरती पे बिल्कुल तुच्छ प्राणी हो और मर के चले जाओगे, इतना याद रखना। यहां पर जितना हो सके सेवा कर लो, और जो लोग कहते हैं शूद्र लोग सिर्फ सेवा करने के लिए बने थे, सेवा करके भगवान यही कहता है, तब तो बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े बहुत बड़े पैसा वाले भी भगवान की मूर्ति में दबाते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो सेवा करना चाहते, लेकिन वो मां बाप की सेवा नहीं कर रहे, वो इंसानियत की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन शूद्र असली में मानव व्यक्ति थे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया राजू जी, एक ही दिल है तुम्हारा और लेकिन रोज दिल जीत लेते हैं, भैया दो चार दिल बना लो तुम हमारे लिए। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया ना भैया। ये बताओ समझ में आना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल फीड होना चाहिए, ठीक है। चलो तुम्हारे व्यवस्था तुम्हें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो व्यवसाय के आधार पे
क्लियर? तो वर्ण व्यवस्था तुमको समझ में आ गई। अब जो आगे बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, तो बात समझो सामाजिक व्यवस्था। सातवां पॉइंट नंबर याद कर लो, एक एक पॉइंट रटवाए दे रहा तुमको। फिर इनका पेय पदार्थ क्या था, किसका? ऋग्वैदिक काल में पेय पदार्थ क्या था, तो पेय पदार्थ था सोमरस। क्या था? सोमरस। सोमरस जो वनस्पति से बनाया जाता था, किससे बनाया जाता था? वनस्पति से। फिर इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, यह भी याद रखो। तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, कृषि, ठीक। फिर आगे बात समझो बहुत ध्यान से, नवा नंबर पॉइंट याद रखो। का याद रखियो यहां पर तुमका, जो तुमका बताया था आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी रहे, सिंधु घाटी सभ्यता में तुमका कांसा धातु मिली रहे, ठीक। वहां पर आप देखो रहे मनुष्य के द्वारा जब प्रागैतिहासिक काल पड़ो रहे खोजी गई पहली धातु तांबा रहे, का रहे? तांबा। और यहां पर याद रखना खोजी गई धातु आर्यों के द्वारा उसका नाम का रहे लोहा, का नाम रहे लोहा। और याद रखना ऋग वैदिक काल में लोहा का लोहा नहीं कहा गया, लोहा को लोहा नहीं कहा गया, लोहा को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया, तो याद रखिएगा श्याम अयस्क कहा गया। लोहा को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया, श्याम अयस्क कहा गया, क्लियर। और याद रखिएगा मेरे शेर, ऋग्वैदिक काल में तांबा को क्या कहा गया, तो तांबा को कहा गया लोहित अयस्क। अब मेरा बच्चा पूछेगा बहुत बड़ा डाउट, क्या क्लियर हो गया? बच्चे का डाउट नहीं, बिल्कुल जिंदगी बन गई। क्या बन गई? अगर पेपर में आ जाता ऋग वैदिक काल में तांबा को लोहा को क्या कहता, हर एक बच्चा लगा के चला आता लोहा मतलब लोहित अयस्क, जबकि जस्ट उल्टा है। लोहा को यहां कहा गया श्याम अयस्क और तांबे को कहा गया लोहित अयस्क, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है जमीन आसमान का, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल भैया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा, तुम्हारा प्यार हमें बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन लाइक और शेयर के दम पे, बिना लाइक शेयर के दम पे हम ऐसे बैठ जाएंगे, और ऐसे बैठना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे साथ है, हमारा बच्चा दिखाएगा कि लूसेंट का रिफॉर्मेशन राघव सर के द्वारा कैसे किया जा रहा है, क्लियर बच्चा? बहुत बढ़िया, हाँ लूसेंट से साइंस भी पढ़ाएंगे आर्मी बेटा। चल अब बहुत बड़ी बात तुमको हम बता दे, यहां पर जो परीक्षा में अब प्रश्न और क्या पूछा जाता है, तो बात समझो बहुत ध्यान से। यहां पे अगला पॉइंट जो हम तुमको बता दे, 10 नंबर याद कर लो, प्याज खाओ नहीं खाओ, एक प्याज की जगह लिख लो अमाजू, क्या लिखोगे? अमाजू। तो याद कर लो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भी लड़की की शादी नहीं होती उसका कहा कुंवारी लड़की, लेकिन ऋग वैदिक काल में कुंवारी लड़की क्या कहा जाता था, कहने का मतलब है जीवन भर अविवाहित रहने वाली, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहते थे, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहते थे, क्या कहते थे? अमाजू, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भैया, मजा आना चाहिए नहीं तो बेकार है भाई, ये मान लो। फिर तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जो वस्त्र पहनत रहे आर्य लोग ऋग्वैदिक काल में पहनावा वो कह रहे, तीन प्रकार के वस्त्र हैं, कौन कौन? एक रहे वास और एक का नाम रहे अधिवास और एक का नाम रहे उसड़ीयु। तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे आर्य लोग ऋग्वैदिक काल में। फिर भैया एक प्रश्न याद रखना, एक शब्द आया यहां पे नीव, क्या आया? नीव, नीवी। नीवी का प्रश्न क्या बनेगा? अंदर पहनने वाले वस्त्र को जो बनियान वनियान पहना तो उइका का कहते रहे, तब उइका कहते रहे अंदर पहनने वाले वस्त्र। तो भैया अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते थे मोरे बालक, बता दो तुम हमको, तो कहते थे नीव, क्लियर। बहुत बढ़िया,
अरे भैया ग्रुप डी दे जाओ चाहे अधिकारी दे जाए, सम्मा ना फंसे तो बताए वाक्य हमका। जब पेपर में फंसे लागे तब तुम उनका बताए हुआ सर जी पेपर में बहुत अच्छा फंस रहा तुम्हारा पढ़ाया हुआ, तब हम मन बे क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बस तुम इतना याद कर लो जबरदस्त तुमको बता रहे ठीक। फिर आगे बस अब ऋग्वैदिक काल में कुछ दर्शन आए, उन दर्शनों को देख लो। तो यहां पर एक हेडिंग लगेगी बहुत अच्छे से, प्रमुख दर्शन एवं उनके संस्थापक, प्रमुख दर्शन एवं संस्थापक, एपी पेपर में बहुत अच्छे से आता है प्रमुख दर्शन एवं उनके संस्थापक। तो भैया सबसे पहला दर्शन कौन सा? सबसे पहला दर्शन तो हम तुमको याद करा दें, योग। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो भैया योग, योग के लिए कौन प्रसिद्ध हुई रहा? बाबा रामदेव। और रामदेव की दवा का नाम क्या चल रहा? पतंजलि। तो योग दर्शन के संस्थापक का क्या नाम रहा बचुआ? तो योग दर्शन के संस्थापक का नाम रहा पतंजलि। कबो ना भूलियो, कबो ना भूलियो, योग दर्शन के संस्थापक का नाम रहा पतंजलि। क्लियर। चलो भैया फिर दूसरा दर्शन कौन रहे? दूसरा दर्शन रहे न्याय। कारण न्याय। और आप बताओ महात्मा बुद्ध जो रहे, महात्मा बुद्ध उनका गौतम कहत रहे सिद्ध ठीक। तो भैया महात्मा बुद्ध जब अपने बहुत धनाढ्य परिवार के रहे, यात्रा पर जात रहे, तो लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, एक सौ दिखा, एक बीमार दिखा, तो उन्होंने न्याय की बात कही। तो जब न्याय की बात कही तो यहीं पर एक प्रश्न याद रखना, न्याय किससे संबंधित है? गौतम से। न्याय किससे संबंधित है? गौतम से। फिर भैया एक राय सांख्य दर्शन। क्या नाम है? सांख्य दर्शन। सांख मतलब संख्या पर मामला चलता। और आपको पता होना चाहिए कपिल देव एक ऐसा इंसान था जो कभी संख्या पे ध्यान देता था बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले भारत को वर्ल्ड कप जिताए थे। कौन? कपिल देव साहब। तो भैया सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? कपिल जी से, याद रखिएगा। और इन दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा? तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा? सांख्य दर्शन। क्लियर। एक एक प्रश्न भैया तुमका ऐसे कहू ना पढ़ाई, एक एक रटवा रटवा के ठीक। चलो अंकित भैया फिजिक्स पढ़ाई बे, भैया समय लो बिल्कुल सीरियल तो जाइए तब ही पढ़ा पे बे, हम भगवान तो आहिन ना, बस धीरे धीरे पढ़ा पे बे, और धीरे धीरे अगर पढ़े को तो हमारे साथ बने रहो सब जने ठीक। चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, तो मुझे वीडियो शेयर करो तो बच्चा। रामराज परियार, साली सिंह और रामराज प्रताप सिंह वीडियो, जितेंद्र कुमार, तभी मजा आई है। नहीं मजा नहीं है इतना याद रखो। फिर बच्चा अगला एक दर्शन रहा है जिसका नाम है चरवाक। और जब चरवाक रहे तो चरवाक जो है अपने नामे पर दर्शन लिख दिन, उसका नाम रख दिन चरवाक का चारवाक, उसका नाम का रख दिन चरवाक का चारवाक, ले चबाओ खटाखट। फिर भैया जो अगला दर्शन हुआ पांचवा, उसका नाम रखा गया पूर्व मीमांसा। क्या रखा गया? मीमांसा जो रहे वो पूरा वाली रहे ठीक। और एक मीमांसा जो रहे, एक पूरा मतलब पहले वाली, एक बाद वाली, दोनों मीमांसा आपको याद रखनी। बाद वाली क्या कहते हैं? उत्तर। तो पहले वाली पूर्व मीमांसा और दूसरे वाली को उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है उनके दर्शन के संस्थापक को रहे, उनका नाम है जैमिनी। क्या नाम था? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का क्या नाम था? उत्तर मीमांसा का जो नाम था उसका नाम था बादरायण, बादरायण। तो पूर्व मीमांसा के कौन थे? जैमिनी रहे। और उत्तर मीमांसा को रहे बादरायण रहे। क्लियर। अच्छा मजा आ रहा ब्रजमोहन, मजा तो यही है भैया। 7 बजे शाम का क्लास चलत है ठीक। कितने बजे? 7 बजे। फिर एक याद रखियो, एक दर्शन का नाम रहे जिका का वैशेषिक। क्या कहते रहे? वैशेषिक। और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक का नाम रहे कणाद या उलूक। का नाम रहे? कणाद या उलूक। भैया कण कण में विशेष चीज बसी हुई है तो वैशेषिक बन गया कणाद या उलूक का। क्लियर। महेश मीना मस्त पढ़ा रहे हो, तुम्हारा प्यार है जो बढ़ा रहे हम, बिल्कुल
बिल्कुल भैया, तुम्हारे प्यार को बढ़ा रहे हो, तुम्हारा प्यार तभी बरसेगा जब हम मस्त पढ़ाएंगे। तो भैया तुमको क्या करना है, शेयर करना दबा के और दिखा देना लूसेंट का रिफॉर्मेशन राघव सर के द्वारा जबरदस्त अंदाज में यूनिट 4 का किया जा रहा है, लगातार होता रहेगा, बहुत बढ़िया। जो पहली क्लास में आया है बंदा वो पहले 3 क्लास देख ले तो जिसको चौथी क्लास ऑटोमेटिक अच्छे से समझ में आने वाली है। बहुत बढ़िया बालक आराधना, नितेश, रामराज, तो तुमका भैया प्रमुख दर्शन और उनके संस्थापक हम रटवा दी ने, अब तुम जानो याद कैसे करें। योग बाबा रामदेव दवा कौन सी बेच रहे हैं, पतंजलि। फिर न्याय की बात करते हो तो न्याय तो महात्मा बुद्ध के साथ था। एक बीमार, एक बूढ़ा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा इन्होंने तो क्या किया, काम पूरा घर परिवार को त्याग रहे, अपने जो ये सास सच्चा है, इतने जो हमारे धनाढ्य परिवार है, हम पूरा साम्राज्य त्याग रहे हैं, हम भी अब न्याय के तरीके से एक साधारण जीवन जीएंगे, तपस्या करेंगे। तो न्याय गौतम सांख कपिल देव ने सबसे पहले संख्या पे ध्यान दी कि भारत को वर्ल्ड कप जिताना है तो 1983 जिता ले गए कपिल देव सांख के। और चारवाक ने खुद अपना दर्शन बनाया, क्लियर। फिर पूर्व मीमांसा, ओ जैमिनी आ जाओ। तो भैया पूर्व मीमांसा जैमिनी, मिनी मतलब जैमिनी आ जाओ। फिर उत्तर मीमांसा बादरायण, उत्तर मतलब बाद का, तो बादरायण, क्लियर। जैसे तुमका कंफ्यूज हो जावे पूरब मा जैमिनी है कि उत्तर मा, तो भैया उत्तर मतलब बाद का, बाद मतलब बाद का, तो उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। वैसे से कड़ा दिया उलू, काम खत्म, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, हरे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। हाँ चलो, शेयर वीडियो का रुकना नहीं चाहिए मेरे बच्चे को, बहुत बढ़िया। तो प्रमुख दर्शन एवं उनके संस्थापक याद हो गए। अब अगला याद कर लो बच्चा, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां, ऋग्वैदिक कालीन की प्रमुख नदियां जिनके पुराने नाम और आधुनिक नाम दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियां जिनके दोनों नाम आप याद रखो जबरदस्त अंदाज में, देख। तो ऋग्वैदिक काल की नदियां देखो बड़े जबरदस्त अंदाज में, क्या देखोगे भाई साहब। सबसे पहले नदी तो तुमको याद कराएंगे हम, पता कौन सी सबसे पहले नदी तुमको हम याद करवाएंगे, रटवाएंगे, जय का नाम है पता का, परुसड़ी। परुसड़ी और परुसड़ी का नाम वर्तमान में क्या है, रावी। परुसड़ी जो है उसका वर्तमान में नाम क्या है, रावी, क्लियर, रावी। चल आगे बात समझो बालक बहुत जबरदस्त अंदाज में। परुसड़ी का नाम प्रेजेंट टाइम में रावी है, मतलब रावी नदी। तो पेपर में प्रश्न पूछा गया, एक बार परीक्षा में नहीं 10 बार आया है, 10 बार का मतलब हो गया 10 राग युद्ध। तो भैया 10 राग युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो रावी नदी किनारे। रावी नदी का प्राचीन नाम बताओ तो परुसड़ी बताओगे, किसके किसके बीच लड़ा गया। तो भैया याद कर लो 10 राग युद्ध जो लड़ा गया वो लड़ा गया, एक तरफ रहे राजा सुदास, एक तरफ राजा रहे सुदास और एक तरफ रहे 10 जन। 10 जन का मतलब है 10 छोटे छोटे लोग, क्लियर। परसड़ी नदी किनारे 10 राग युद्ध लड़ा गया था जिसमें एक तरफ थे राजा सुदास और एक तरफ थे 10 राग। अब तुम कहोगे सर जी तुम यो कहां के पता के लाओ कि 10 राग युद्ध लड़ा गया, तो मैं आपको बता दूं कहां से लड़ा गया। भैया ये जानकारी हमें मिलती प्राप्त होती कहां पे, ऋग्वेद काल पढ़ रहे हो तो ऋग्वेद काल में 7वां मंडल ऐसा कहता है कि यहां पे 10 राग युद्ध लड़ा गया, क्लियर। तो भैया 7वां मंडल का कहा था बचवा, 7वां कहता है कि 10 राग युद्ध लड़ा गया और कई के बीच लड़ा गया, मतलब 10 राग है तो दास मतलब सुदास
सुदास मतलब दस जन, दसराग मतलब दस जन, और राजा सुदास के बीच में कौनी नदी किनारे परुष्णी जैका कहते हैं वर्तमान में रावी, और जय के बारे में उल्लेख मिलत है कहां पर, सातवें मंडल में ऋग्वेद के। क्लियर है भाई साहब, लाइक ठोको रे ठोको लाइक ठोको, अगर मजा आ रहा हो, अगर मजा ना आ रहा हो तो लाइक शेयर घटा लो, लेकिन लाइक शेयर घटा देना अगर तुमको मजा आ रहा हो, ठीक है भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, बालक मेरा अगला प्रश्न सीखेगा क्या, अगली नदी ऋग्वैदिक काल की क्या क्या नाम था जिसको कहते थे अस्किनी, और अस्किनी बोलते थे, अस्किनी का वर्तमान में नाम है चिनाब। क्या कहते थे, नी मतलब नी, तो नी मतलब ना मिलना चाहिए, नी है तो ना भी तो होगा, तो अस्किनी मतलब चिनाब। क्लियर, तीसरा, तीसरा है सतुद्री, क्या नाम है सतुद्री, और सत मतलब है, तो प्रेजेंट टाइम में उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है सतलज। तो याद हो रहा होगा ऋग्वैदिक काल की ये प्राचीन नदियों के नाम है और ये वर्तमान में नदियों के नाम है, तो रावी का प्राचीन नाम परुष्णी, परुष्णी का आधुनिक नाम रावी था, और यहां पे चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, अस्किनी का आधुनिक नाम नीना, नीना मतलब चिनाब, अस्किनी, सतुद्री। सत शब्द आ गया तो सत आ गया तो सतलज कहां जाएगा, रहेगा तो सत के पास ही ना भाई साहब। बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रहे हो, तो भैया तुम्हारा लाइक शेयर आज दिखा देगा ताकत कि राघव सर के स्टूडेंट हो तुम भैया, ठीक। फिर भैया अगला, अगला जो युद्ध आएगा, सॉरी अगली नदी जो आएगी उसका नाम है वितस्तता, और वितस्तता जो है जहां पे व्यस्त है मतलब आदमी झेल रहा है, व्यस्त आदमी हमेशा परेशानियों को झेलता है, मतलब वितस्तता झेलम। क्लियर, व्यस्त आदमी हमेशा परिस्थितियों को झेलता है मतलब झेलम को। क्लियर है, हाँ भैया राम गुप्ता तुम तो हमारा कल्याण करोगे हमका पता रहे। चलो फिर अगला, पांचवी नंबर की नदी का क्या नाम है, सदा नीरा। कौन सी नीरा, सदा नीरा, और सदा नीरा कहां बहेगी, जहां गड्ढे होंगे मतलब गंडक नदी। गंडक नदी को प्राचीन काल ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे, गंडक कहते थे, गंडक वर्तमान में कहते हैं, सदा नीरा इसको पहले बोलते थे। क्लियर, बहुत बढ़िया, हाँ रीजनिंग भी पढ़ी हुई, बस तुम्हारा अगर प्यार मिलत रही तो, नहीं तो हम डाउन पड़ जाए बिल्कुल। राम राज भोला राग, राम 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 राम, हाँ बहुत बढ़िया जबरदस्त। हाँ देखो फिर आगे, फिर अगली नदी है गोमती। भैया जो गोमती गोमती चिल्लाया करते हैं लखनऊ, इसके किनारे स्थित है, गोमती का वर्तमान में नाम है गोमल, गोमती का वर्तमान में नाम है गोमल, और पहले बोलते थे इसको क्या, गोमती, जो अभी भी गोमती ही बोल रहे हम लोग। फिर अगली एक नदी ऋग्वैदिक काल की थी जिसका नाम था कुभा, और कुभा नदी को वर्तमान में कहते हैं क्या, कुभा को बोलते हैं काबुल। कबूल है, बिल्कुल कबूल है, काबुल है। क्लियर, गोमती को गोमल, सदा नीरा को गंडक, कुभा को काबुल, यही तो हमारा प्यार है। क्लियर है भाई साहब, अब आएंगी बिपाशा बसु। क्लियर, और जब बिपाशा आ रही है तो कौन सी नदी लेकर आएंगी, तो बिपाशा आ रही है तो ब्यास नदी। क्लियर, ब्यास नदी। फिर भैया एक लास्ट नदी जो बची है वो बची है दृष्ट गति, दृष्ट दति, और इस नदी को बोलते हैं दृष्ट दति, दृष्ट मतलब घग, घग घर। भैया टोटल 9 नदियां याद कर लेना ऋग्वैदिक काल की, जो प्राचीन नदियां और उनके वर्तमान नाम। अब बच्चा एक बार कमेंट करके बता दो तुमका ऋग्वैदिक काल पूरा पढ़े मजा आगा कि नहीं आगा, अगर ना आवा हो तब हूँ कमेंट करके बता दो, और जबरदस्त अंदाज में कमेंट करके बताओ कि मैं बहुत ही बढ़िया मजा आएगा, हमें जोश मिलेगा। और एक बात बालक और बता दे दूंगा, पता का अब तुम हमसे प्रॉमिस करो कौने दिन सर जी तुम्हारी क्लास में 1K 2K वाचिंग आने वाली है, उस दिन हम केक वेक लेके बैठे तुम्हारे सामने ऐसे कटिबे जोने दिन 1K वाचिंग आ जाए, ठीक बिल्कुल।
अरे भैया पप्पू इतिहास के बाद साइंस तुम पढ़ाई बे ना, इतिहास के बाद का है भूगोल है तो भूगोल पढ़ी बे, हम लूसेंट बिल्कुल सीरियल से चल बे भैया। देखो साफ सीधी बात, तुमको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, और हमको कुछ नहीं कहे ठीक। ब्रजमोहन सभी बच्चों को बहुत मजा आ गया और हमको खुशी है कि तुम लोगों को मजा आ रहा है बिल्कुल। हाँ अब बात समझो बच्चा, अब प्रश्न आता है प्री पशु क्या था ऋग्वैदिक काल में, तो याद कर लो प्री पशु जो था वो था घोड़ा ऋग्वैदिक काल में। प्री देवता कौन थे यहां पर, तो ऋग्वैदिक काल में प्री देवता थे जिनका नाम था इंद्र ठीक। तो ये भी प्रश्न आप याद कर लो ऋग्वैदिक काल में, चलो बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा सबको मजा आ गया बिल्कुल, हाँ क्या बात है, लाइक तुम तो ठोके दे रहे हो आज भाई। चांदनी शेख बहुत मजा आ गया, अरे भैया इतना मजा आ गया, तुम्हारा प्यार बना रहे हम पे सदा, चलो भैया। अच्छा पप्पू आप बिहार भागलपुर थे हो, तो लगाओ एक बार जोर और बिहार भागलपुर में दिखा दो ताकत को कि लूसेंट इस तरह पड़ जाती। लूसेंट रटे तो हो गए लेकिन रिफॉर्म करने का तरीका सिखा रहे पप्पू भैया ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जल्द ही वन के होगा भैया, तुम्हारा तो प्यार है जब तुम वन के कर दोगे उस दिन एक केक तुम्हारे नाम ठीक, एक केक तुम्हारे नाम बिल्कुल। आगे बचवा आगे देखो बहुत जबरदस्त तरीके से कहा देखोगे ऋग्वैदिक काल की चीजें। अब ऋग्वैदिक काल में एक चीज तुमका और बता दी, यहां पर गाय का कहते थे ऋग्वैदिक काल में, गाय को बोलते थे अधन्या, गाय को क्या बोलते थे अधन्या, और अधन्या का मतलब होता है वध ना करने योग्य, मतलब गाय का वध नहीं कर सकते हो, अगर आपने वध किया तो आपके ऊपर देश निकाला तक का देश द्रोह का मुकदमा लग जाएगा, क्लियर बिल्कुल। चलो तो याद रखिएगा गाय को ऋग्वेद में क्या कहते थे अघन्या कहते थे, तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल की सारी चीजें हो जाती खत्म। अब देखो उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में पहले राजा का कहत रहे, तो ये गाय का मामला था, इसको कर देते थोड़ा सा ऊपर खत्म। अब यहां डाल लेते उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल फटाफट देख लो काम खत्म। तो भैया उत्तर वैदिक काल देख लो, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1000 बीसी से बचवा था 600 बीसी तक, क्लियर। फिर उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या कहते थे, तो चारों दिशाओं में राजा होते थे ठीक, चारों दिशाओं में राजा होते थे, अलग अलग दिशा में क्या क्या नाम थे इनके, तो देखो ये वाली दिशा कौन सी लगेगी उत्तर, उत्तर दिशा में राजा को क्या कहते थे, उत्तर दिशा में राजा को कहते थे विराट, और दक्षिण दिशा में राजा को क्या कहते थे भोज ठीक, और पूरब दिशा में क्या कहते थे, पूरब दिशा में कहते थे सम्राट, और पश्चिम दिशा में क्या कहते थे, पश्चिम दिशा कहते थे स्वराष्ट्र। तो विराट भोज सम्राट स्वराष्ट्र, और याद रखिएगा मध्य दिशा को क्या कहते थे, मध्य भारत की दिशा को राजा को राजा ही कहते थे। तो पेपर में प्रश्न आएगा उत्तर वैदिक सभ्यता में जो चार दिशाएं प्रमुख थीं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं में शासकों को क्या क्या कहा जाता था, तो उत्तर में कहा जाता था विराट, दक्षिण में कहा जाता था भोज, पूरब में कहा जाता था सम्राट, और पश्चिम में कहा जाता था स्वराष्ट्र, क्लियर। और याद रखिएगा पूरब वाली दिशा को उस समय बोलते थे प्राची, पश्चिम वाले बोलते थे प्रतीची, और दक्षिण उत्तर वाले बोलते थे उदीसी, क्लियर बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिहार के सहरसा से धरती से चरण स्पर्श गुरुदेव, बेटा हमेशा खुश रहो, हमेशा हमारा जितना भी पढ़ाया आज तक हमको जितने लोगों ने गुरु माना, मैं पहली बात तो अपने आपको गुरु मानता ही नहीं, बस आपका एक छोटा सा भाई समझता हूं अपने आप, और आपका बस प्यार रहे बना रहे, और जब तक हम पढ़ा रहे हैं आपको आप पढ़ते रहो,
यही हमारी दुआ है ईश्वर से। और आप लोग बस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितना ज़्यादा भगवान ने या सरस्वती माँ की कृपा से हम आपको पढ़ा सकते उतना मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा। एक भी शब्द अपने अंदर रखूँगा नहीं कि ये शब्द मैं छुपा लूँ, इससे आपका पेपर रुक जाए। पेपर हमेशा निकालने की कोशिश में रहता हूँ और पढ़ाता हूँ उतना ही जो पेपर में आपका फंसे। क्लियर है? क्या टाइम है हमारा? हमारा टाइम शाम को 7 बजे से। क्लियर? याद कर लो बिल्कुल। अब याद कर लो, उत्तर वैदिक काल में जो पहला नगर था, पहला नगर जो ईंटों से बना था, उत्तर वैदिक काल में ईंटों से बना था, उसका नाम था कौसाम्बी। क्या नाम था? कौसाम्बी। क्लियर? फिर उत्तर वैदिक काल में याद कर लो, यहां पे जो आभूषण थे, वो दो आभूषण उत्तर वैदिक काल में फेमस थे, एक को कहते थे निस्क और एक को कहते थे सतमान। और याद कर लेना, निस्क जो आभूषण था, ये दोनों स्वर्ण आभूषण थे और एक गले में पहना जाता था। क्या? निस्क। क्लियर? ये भी याद कर लेना, बहुत अच्छा। हाँ, डेली क्लास लेने आएंगे मीनू, आप लोग प्यार दोगे तो, प्यार नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, फिर आगे देखो, उत्तर वैदिक काल में एक उपनिषद आया था जिसको नाम कहते हैं मुंडको उपनिषद। अब मुंडको उपनिषद में एक आदर्श वाक्य था, जिस आदर्श वाक्य को हम लोग जानते हैं, क्या? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये आदर्श वाक्य था मुंडको उपनिषद में। मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना मुंडको उपनिषद में किससे की गई है? तो यह तुलना की गई है टूटी नाव से। यज्ञ की तुलना मुंडको उपनिषद में की गई है टूटी नाव से। तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, सोनू सिंह बिल्कुल। हाँ अच्छा, लूसेंट हम रीड कराते हैं आपको, बहुत मजा आता। स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो स्क्रीन शॉट भैया, जैसे जैसे। और गायत्री मंत्र तो तुम नाम बता ही दिन है ना। उत्तर वैदिक काल में याद रखियो, कृषि के लिए जो हल प्रयोग होते थे, हल को कहा जाता था सिरा। ठीक, चलो। तो उम्मीद करते सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। अब एक चीज और याद कर लो, तुलना करने के लिए हमने बताया था, यह संस्था जो एक संस्था का नाम था जिसको कहते हैं सभा एवं समिति, यह संस्था थी। कहां पर थी ये? ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक में। और जबकि उत्तर वैदिक में संस्था को क्या कहते थे? उत्तर वैदिक में संस्था को बोलते थे गोत्र। तो याद कर लेना, गोत्र कहां बोला गया और सभा एवं समिति कहां बोला गया और किसको बोला गया? संस्था को। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे, यहां पर जो प्रमुख देवता हुए वो कौन हुए? वो हुए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता हुए उनका नाम पड़ा प्रजापति। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते आप सबको मजे से आ गया होगा। और उत्तर वैदिक काल में एक महाकाव्य लिखा गया था जिसका नाम है महाभारत। महाभारत, और महाभारत के जो लेखक हैं उनका नाम है वेद व्यास। ये लेखक का नाम है। और महाभारत का जो प्राचीन नाम है, उस प्राचीन नाम मतलब ओल्ड नाम है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जय संहिता। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। क्लियर? तो उम्मीद करते भैया अब स्क्रीन शॉट तुम्हारा लेने का समय आ गया।
ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। तो भैया उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, जबरदस्त अंदाज में, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग भी हो गई। तो साथियों अब विदा है आपसे, विदा लेने का वक्त आ गया है। कल हम तुमका मिलवे कहां, महाजनपदों का उदय मां। हम महाजनपदों का उदय बहुत ही धमाकेदार तरीके से कल शाम 7 बजे राघव सर उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी शाम का 7 बजे पूरी की पूरी संख्या आ जाना और 10-10 लोगों का उल्लेख आ जाना, तो बहुत मजा आने वाला है। और जिन जिन बच्चों को वीडियो पसंद आया है लाइक कर दो, अपने अपने ग्रुप में 10-10 लोगों का शेयर कर दो, जिनमें बहुत ही बढ़िया अंदाज में बैटिंग हुई गई। और बैटिंग ऐसी भी है कि पूरा वैदिक सभ्यता तुम्हारे दिमाग में चल रही है, सिंधु घाटी और वैदिक में दोनों कंपेरिजन करके आप पढ़ लो, ठीक। चलो भैया ये देखो फ्यूचर टू मेरा ही होगा कह रहे हैं और पढ़ाओ। अरे बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जी मैं समझा। अब बारी है अंबुसर की, अंबुसर अभी आ रहे हैं मैथ में धमाल मचाने, तो मैथ आप भी पढ़ो अच्छे से, ठीक है। मजा आ गया, थैंक यू बेटा, थैंक यू सब लोगों का बहुत सारा प्यार। अगर वीडियो शेयर करोगे, 10-10 लोगों को जोड़ोगे, तो भगवान आपका भला करे, भगवान आपकी रक्षा करे। चल साथियों वक्त है विदा लेने का, तो सभी बच्चों को दिल से क्या कहें, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।